पास है डबल डोर के फ्रिज का, यानी कि डबल डोर के रेफ्रिजरेटर का, ये मेरे पास है फैन मोटर। एक्चुअली उसमें कूलिंग जो होती है, कूलिंग कॉइल जब कोल्ड होता है तो उसके लिए इस तरीके का फैन लगता है। ये फैन के ऊपर ये ब्लेड होती है, जो ब्लेड होती है ये कूलिंग को सर्कुलेट कराने का काम करती है अंदर में। यानी कि निचले उसमें दो डोर होते हैं, एक होता है ऊपर वाला और उसके नीचे दूसरा डोर होता है। डबल डोर की फ्रिज में ये मोस्टली लगता है, तो ये ऊपर वाला डोर में लगता है और उसके बाद से क्या करता है, कूलिंग को ये एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है। तो ये यही है जो कूलिंग को घुमाने का काम करता है। कूलिंग कॉइल इसमें केवल कोल्ड होती है और कोल्ड कूलिंग कॉइल की ठंडी हवा को ये घुमाने का काम करता है, जो ये फैन है। तो ये फैन मोटर आप देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा दूँ, तो ये इसका मॉडल नंबर यहाँ पर है, आप देख लीजिए JYF012। और ये मॉडल नंबर नहीं है, ये जो है पावर तो लेगा 2 वाट लेगा, ये सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी कम पावर लेकर ये चल रहा है, 2 वाट का पावर लेगा। IP44 इसकी रेटिंग है और आप जानते हैं वाटर रेजिस्टेंस है, पानी इसमें जाएगा तो कोई नॉर्मली दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा पानी जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डायरेक्ट पानी में इसको डुबोना नहीं है, बट पानी इसके ऊपर अगर स्प्लैश प्रूफ है, पानी इस पर बौछार आते हैं, छींटे पड़ते हैं पानी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कूलिंग से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। विदाउट कैपेसिटर होता है, डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल्स ये रन करता है, ये है। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरा आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो के अंदर में किस तरीके से इसको लगाया जाता है, टोटल चीज़ें। तो मैंने अभी लिया है, कस्टमर का जल गया था, मेरी वीडियो का अपलोड है जिसमें फैन रुक रुक के चल रहा था, उसी डिफ्रीजर में लगाना है इसको, उसी डिफ्रीजर नहीं फ्रिज के अंदर लगाना है। तो वो हम चल के आपको दिखा दें किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, कैसे खोलना है, टोटल चीज़ें। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, मैं आ चुका हूं डबल डोर के फ्रिज के पास और मैं देखिए यहां पर इसके लॉक लगे होते हैं, तो मैं उसको निकाल रहा हूं। स्क्रूज को कैप होते हैं जो कवर करते हैं, तो उन्हीं कैप को मैं निकाल रहा हूं बाहर। मैंने कैप को बाहर निकाल दिया, अभी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको मैं खोल लूँगा, यानी कि इसके जो स्क्रूज हैं उनको खोल करके आगे का जो ये पैनल है इसको बाहर निकाल। सबसे पहले मैं देखिए स्क्रूज को खोल रहा हूँ, तो इसके अंदर 2 स्क्रूज मिल जाते हैं और नीचे जो यहाँ पर एक मैक्सिमम एयर फ्लो का सिस्टम होता है, मैक्सिमम और मिनिमम करके, तो उसको मैंने यहाँ पे जो बटन होते हैं उसको मैंने बाहर निकाल लिया है। तो ये पूरा मैंने सिस्टम ऑलरेडी पहले ही कर रखा है, अब आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा निकाल दिया। इसके बाद से मैं करूँ क्या, यहाँ पर देखिए पीछे ये हमारा फ़ैन मोटर मिल जाता है देखने के लिए, तो ये हमारा फ़ैन मोटर है। इसके जस्ट जो लगा हुआ है यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, तो उसको हम काट करके निकालेंगे, निकालने के बाद से इसको बाहर निकाल। अभी मैं इसमें से स्क्रूज जो मैंने खोला था उसको बाहर निकाल रहा हूँ, ताकि स्क्रूज कहीं गिरे ना। इसके लिए स्क्रूज को निकाल के आपको अच्छे से रख दें, तो अगर साइड में कहीं गिर जाता तो फिर जल्दी मिलेगा नहीं, तो आपको मार्केट से परचेज करके स्क्रू को लगाना पड़ेगा, वो मिल जाता है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको अलग अलग भी करके खोल सकते थे, तो मैंने एक ही में खोल लिया, बाद में इसको मैं अलग करूँगा, वो आपको मैं दिखा दूँगा किस तरीके से इसको अलग करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक बेल्ट लगा हुआ है, उस बेल्ट को मैं काट लूँगा किसी चीज़ की मदद से, काटने के बाद से यहाँ से इसके लॉक को हम खोल देंगे तो ये बिल्कुल निकल जाएगा। तो अभी मैं इसको काटने के लिए कोई चीज़ मांगता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने काट लिया और इस पिन को मैं निकाल दिया हूँ, अब निकाल के इसको बाहर लेके आ रहे हैं। इसके बाद से करें क्या, यहाँ से इसके मोटर को खोल करके निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए ये है कूलिंग कॉइल और यहाँ पूरा इसका सिस्टम है, यहीं से देखिए यहाँ पर ये पूरा कूलिंग कॉइल है, ये जो छेद दिख रहा है इसी से एयर जो होती है वो नीचे जाती है, जो फैन चलता है तो यहाँ से हवा होकर के जाती है। तो डबल डोर के फ्रिज में फ़ैन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए जो डबल डोर के रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर फ़ैन सिस्टम दिया जाता है, कूलिंग कॉइल ऊपर होता है, ये जो आपको दिख रहा है एक्यूमुलेटर है, यहाँ से गैस होकर जाएगी और ये जो आपका वायर है ये आपके थर्मोस्टेट तक जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर 2 स्क्रूज लगे हुए हैं मोटर को सपोर्ट के लिए, यानी कि मोटर को इसमें लॉक करने के लिए, तो मैं उन दोनों स्क्रूज को खोल रहा हूँ और खोलने के बाद से यहाँ से आपका जो मोटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो फटाफट से हम इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद से मोटर को बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए यही आपका मोटर है, ये AC सप्लाई डायरेक्टली चलता है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, तब तक कि मैं स्क्रूज खोल रहा हूँ। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और नई नई वीडियो बना पाते हैं। तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और यदि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे ज़रूर शेयर करिए। अगर आप टेक्नीशियन हैं या आप इस लाइन में उतरने वाले हैं तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसको खोल लिया, अब खोलने के बाद से करूँ क्या, इसको ऊपर निकालूंगा। तो देखिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया, अब निकालने के बाद से यहाँ से इस मोटर को बाहर निकालेंगे। तो मोटर पीछे एक लॉक होता है, यहाँ देख सकते हैं ब्लैक तरीका, इसमें ही पैक होता है, खींचेंगे तो डायरेक्टली आपका मोटर जो है वो बाहर आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से मोटर हमारा जो था वो बाहर निकल चुका है, इसको हम साइड में रख देंगे और यहीं पे अपना अब नया वाला जो मोटर है उसको इसमें
इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा नया वाला मोटर है, इसके अंदर ये गोदरेज की फ्रिज थी बट इसके अंदर पैनासोनिक का मोटर लगा था, और सेम मॉडल का सेम साइज़ का मैं पैनासोनिक का मोटर इसके अंदर अभी भी लगा रहा हूँ। इसके अंदर ब्लेड नहीं आती है, और इस मोटर की ओरिजिनल मोटर की जो कीमत पड़ती है वो लगभग 900 के आसपास की पड़ जाती है। तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ के मार्केट में प्राइस से आपके अपने अपने यहाँ के मार्केट में पता कर लीजिएगा। रेट अलग अलग हो सकता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो इसमें डिफरेंट हो सकता है, आप ज़रूर अपने मार्केट के यहाँ पता करिएगा। तो ये मैं मोटर को यहाँ पर लगा रहा हूँ, और सेम जैसे इसमें क्लिप है वैसे उसमें भी क्लिप है। आपको क्लिपिंग करना है तो लगा करके मैं क्लिप करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। अब वीडियो लंबी हो सकती है, पूरा वीडियो को वॉच करेगा, एक मिनट भी स्कैप मत करें तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा किस तरीके से मैंने क्या क्या किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब इसके ऊपर के कैप को मैं फिर यहाँ से लॉक कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये इसका मैं कैप को लॉक करने लग गया हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैप को डाला, इसके पहले इसमें रबड़ डाल लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। और ये रबड़ जो मैं अभी डाल रहा हूँ, ये रबड़ अगर दिक्कत करता है तो लास्ट में इसको आप निकाल भी सकते। कभी कभी क्या होता है ना, रबड़ डालने जैसे कि वो पुराने वाले मोटर में रबड़ था, इसमें भी अगर मैं रबड़ को डालता हूँ तो कभी कभी मोटर को लॉक कर देते हैं सिस्टम। तो रबड़ को अगर आप दिक्कत करते हैं तो रबड़ को आप निकाल भी सकते हैं या डाल भी सकते हैं। मैं नीचे डाला तो लॉक करा, तो ऊपर से मैंने डाला, अगर ऊपर से भी इसकी ये पत्ती नहीं चलती है लगाने के बाद तो आप उसको निकाल दीजिएगा, निकाल करके डायरेक्टली ब्लेड को लगाइएगा फिर चलने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि पुराने में ऐसा रबड़ देते हैं लोग, और नए में अगर रबड़ आप लगाते हैं नहीं चल पा रहा तो समझ लीजिए कि रबड़ ने मोटर को जकड़ रखा है, उसकी सॉफ्ट को, इसलिए सॉफ्ट नहीं घूम पा रहा। तो ऊपर जो ब्लैक वाला ये रबड़ लगा हुआ है ना, उसको आपको नॉर्मली बाहर निकाल देना है बस। अब यहाँ से टाइट कर लेना, मैं अभी लगा रहा हूँ, लगाने के बाद मैं चला रहा हूँ, आगे अपडेट ज़रूर कर दूँगा कि क्या मुझे रबड़ निकालना पड़ा या नहीं निकालना पड़ा। तो रबड़ को लगा करके ही मैं इसे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे स्क्रूज को कस रहा हूँ, तो एक तरफ के स्क्रूज को मैंने कस लिया और दूसरी तरफ के स्क्रूज को कस रहा हूँ। ये मोटर को हैंडल करने वाला, यानी कि मोटर को सपोर्ट देने के लिए इसमें ये लगाया जा रहा है ऊपर से इसका सपोर्टर, ताकि मोटर कहीं हिले डुले ना इसके लिए। तो ये मोटर को बिल्कुल टाइटली पकड़ करके जकड़ करके रखता है। तो मैंने दोनों स्क्रूज को बिल्कुल अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अब टाइट करने के बाद इसके ऊपर का मैं ब्लेड जो इसका है, पुराने मोटर में से मैंने उसको निकाला था, क्योंकि ब्लेड बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग था, ब्लेड में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ना ब्लेड कहीं से ब्रेक था ना कोई प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको किया, अभी ऊपर से एक और रबड़ इसमें लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं ब्लड जो इसका ब्लेड है वो लगाऊंगा। तो देखिए ये रहा इसका ब्लेड, तो ये ब्लेड है, ब्लेड अभी बिल्कुल सही है, तो इसी को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर तो अभी हाथ से घुमाने बिल्कुल सही घूम रहा है, लेकिन एक बार सप्लाई देकर के चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपरली सही से वर्क करता है या नहीं। तो ये पूरा है सिस्टम, आप देख सकते हैं। और मैंने खोल करके इसके ऊपर वाला जो कवर था ना, उसको पहले ही बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ, तो यहाँ सप्लाई देने के बाद मैंने क्लिपिंग कर दिया, बिल्कुल सेम उस तरीके से लॉक कर दिए। सप्लाई दे करके इसको स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या चल रहा है कि नहीं। तो मैं आपको अपडेट करना चाहूँ, ये नहीं चला था क्योंकि उसमें रबड़ जो था ना वो ऑलरेडी इसके सॉफ्ट को जाम कर दिया था। इसके लिए मैंने क्या किया, उस रबड़ को निकाल दिया वापस से। मैं इसको अब निकाल करके वापस फिर से ब्लेड को लगा करके और अभी इसको लगा रहा हूँ, तो अभी देखते हैं चलता है कि नहीं। वो क्या कर रहा था, मोटर को केवल हल्का हल्का सा घूम रहा था, वो जकड़ रखा था, चल नहीं पा रहा था। अभी देखते हैं एक बार कि क्या ये काम करता है कि नहीं। तो देखिए, मैं जा रहा हूँ सप्लाई को लगाने के लिए, उसके पहले इस मोटर को इसको ऊपर कर लेते हैं और ऊपर करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगा दिया है यहाँ पर, और लगाने के बाद फिर एक बार चेक करेंगे। तो देखिए बहुत कम जगह है, अगेन आगे और हो जाएगा। यहाँ पर मैं प्लगिंग करने जा रहा हूँ और मैंने प्लग कर रखा है। अब स्विच को ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है, हवा भी अच्छा खासा फ्लो है। आप कस्टमर से आप चेक भी करा कर भी ले सकते हैं। अब बच्चों को छूने तो बिल्कुल मत दीजिएगा। तो ये है सब, क्योंकि लाइट है तो लाइट के समय आप काम कर रहे हैं और हाथ न लगा दे तो ये अच्छा। अब मैंने बिल्कुल सही कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, ऑलरेडी इसको पूरा फुल पैकिंग करेंगे अच्छे से। पैकिंग करने के बाद से इसकी स्क्रूज को टाइट करेंगे, तो वो भी देखिए किस तरीके से पूरा पैक होगा। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत भागिएगा, सीखना चाहते हैं आप तो, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सीखने की हैं, चीज़ों को एक एक करके सीखना पड़ता है, नहीं तो आप डेफिनेटली गलती कर सकते हैं ये सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहला वाला यहाँ पर पैक किया। अब इसके ऊपर का अभी कवर लगाएंगे। मैंने कवर और ये दोनों पैकिंग एक ही साथ पहली बार ही खोल लिया था, लेकिन बाद में मुझे अलग अलग करना पड़ा क्योंकि ब्लेड आपका निकल नहीं पाता, तो ब्लेड निकालने के लिए दोनों को अलग अलग करना पड़ा। नॉर्मली इसी तरह से फिर आप लगा भी लेंगे, लगाने के बाद स्क्रूज को टाइट कर लेना होता है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मैंने इसको लगा दिया। अब इसके ऊपर कवर को मैं
लेके आ रहा हूँ। ये रहा इसका ऊपर वाला कवर, जिससे हवा आपकी चारों तरफ फैलेगी। तो ये पूरा डिजाइन इसका है बना हुआ, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अच्छे से। इसके भी लॉक बने होते हैं, लॉक में आप फंसा जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से लॉक होता जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं करनी होती। एक बात का ध्यान रखना आपको, बिल्कुल डेफिनेटली किसी ही चीज़ में ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है, वो आराम से सेटअप होता चला जाएगा। तो बस आपको जैसे जैसे वो लग रहा है वैसे वैसे अच्छे से लगाना है, और जो जहाँ स्क्रू जो उसको अच्छे से टाइट कर लेना है। ये नहीं भैया नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती उसको पीट के उसको पाट के लगा दीजिए, फिर क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। सार्थक निरर्थक शब्दों का यूज करना पड़ता है, तो उसकी बातें नहीं है। यहाँ पर है आपको सही ढंग से लगाना अच्छे से, मतलब ये नहीं है ज़बरदस्ती कोई चीज़ में नहीं करना है। एक्चुअली मैं वीडियो पहले बनाया हूँ, बनाने के बाद से इसके अंदर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो हो सकता है कोई आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली जो चीज़ें जब थी वहीं पर आवाज़ें हैं। तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, मैं स्क्रूज को फिर से टाइट कर लेता हूँ अच्छे से। स्क्रूज टाइट करने के बाद इसके ऊपर का जो कैप है मैं उसको लगाऊँगा, और फिर एक बार चालू करके चेक करेंगे कि एयर का फ्लो कैसा है, नीचे अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, ऊपर अच्छी कूलिंग दे रहा है नहीं दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो डेफिनेटली देखिए मैंने एक स्क्रूज टाइट कर लिया, दूसरा स्क्रूज भी इसमें टाइट कर लेंगे, और करने के बाद इसकी चीज़ों को आगे लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ये डबल डोर का जब फ्रिज होता है तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद से आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी होती हैं। तो देख टोटल काम हो जाने के बाद अब स्क्रूज को टाइट कर लेना होता है। तो स्क्रूज टाइट करने के बाद इसके ऊपर का जो क्लिप है, यानी कि जो इसका कवर है पैक करने के लिए स्क्रूज को लगता है, उसको भी लगा देना आपको। तो मैंने उसको भी फाइनली लगा दिया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद से मैं जो इसका हाई रेफ्रिजरेंट और आपका हाई कूलिंग सेट करने के लिए लगा होता है, इसके अंदर फ़ैन की स्पीड को सेटअप करने के लिए, उसको मैंने लगा दिया। इसका थर्मोस्टेट जो होता है वो नीचे साइड में होता है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी लगा दिया है, और मैक्सिमम कूलिंग को मैंने इसको सेट करके रख दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट कर रखा है, ये फ़ैन काफ़ी अपनी स्पीड में चल रहा है, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। चैनल पे लें तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।